दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। बात करते हैं पिछले हफ्ते की कुछ कार न्यूज के बारे में। सबसे पहले न्यूज आ रही है टाटा की तरफ से। टाटा नेक्सॉन जो सीएनजी में लॉन्च होने वाली है उसमें दो गियर बॉक्स होने वाले हैं। सबसे पहले भारत मोबिलिटी में हमें शोकेस किया था कि वहां पर 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन होगा, लेकिन अभी उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि इसमें AMT गियर बॉक्स भी होने वाला है। इस गाड़ी में 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर इंजन होगा, जिससे ये इंडिया की पहली सीएनजी कार बनेगी जिसमें हमें टर्बोचार्ज इंजन मिलेगा। तो आप कमेंट में बताओ कि जब नेक्सॉन आएगी सीएनजी में तो आप मैनुअल ट्रांसमिशन प्रेफर करोगे या फिर AMT ट्रांसमिशन। नेक्स्ट न्यूज है फोर्ड की तरफ से। भाई जब से फोर्ड इंडिया से गई है ना, बहुत ज्यादा दुख दर्द दे रही है। मतलब बाहर के मार्केट में बहुत तगड़ी तगड़ी गाड़ियां लॉन्च कर रही है। अब इंडिया में जो एंडेवर आती थी वो बाहर के मार्केट में एवरेस्ट नाम से लॉन्च होती है। अब उसका एक प्रॉपर ऑफ रोडर वेरिएंट ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च हो चुका है, जिसको इन्होंने नाम दिया फोर्ड एवरेस्ट ट्रेमोर, और जो कि प्लैटिनम ट्रिम के नीचे आता है, जिसमें हमें 3.0 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 250 हॉर्स पावर, 600 Nm टॉर्क, और ये 10-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है, जिसमें आपको एडिशनल ऑपरेटर किट मिलती है। और इसकी प्राइस की बात करें तो इंडियन करेंसी में इसकी प्राइस बनती है 46.94 लाख। दिखने में तो काफी बढ़िया लग रही है। वैसे न्यूज है कि फोर्ड 2025 के एंड तक या फिर 2026 के स्टार्टिंग में इंडिया में अपनी कार्स को लॉन्च कर सकता है। अब देखते हैं कौन कौन सी गाड़ियां आएगी और उसमें इसका नाम होगा या फिर नहीं होगा। नेक्स्ट न्यूज है मारुति सुजुकी की तरफ से। मारुति अपनी EVX को 2025 की भारत मोबिलिटी में अनवील करेगा, जो कि जनवरी में न्यू दिल्ली में होने वाला है। उससे पहले ये यूरोपियन मार्केट में इसको लॉन्च कर देंगे, मतलब इसका पहले ग्लोबल डेब्यू होगा, उसके बाद इंडिया में आएगी। और ये एक इंडिया मेड EVX कार होगी जो कि बाहर एक्सपोर्ट की जाएगी। अब देखो इंडिया में बन रही है और सबसे पहले बाहर लॉन्च हो रही है। बाकी आप बताओ कि आप ये गाड़ी लेना पसंद करोगे, मतलब मारुति की गाड़ी ईवी में लेना पसंद करोगे नहीं करोगे, कमेंट में बता देना। और लास्ट न्यूज भी मारुति सुजुकी की तरफ से। मारुति सुजुकी इससे पहले अपनी हाइब्रिड गाड़ियों के लिए टोयोटा की हाइब्रिड सिस्टम का यूज करती थी, लेकिन फ्यूचर में वो अपनी स्मॉल गाड़ियों के लिए या फिर मिड साइज गाड़ियों के लिए अपनी खुद के हाइब्रिड सिस्टम पर रिलाय करेगी, यानी वो अपना खुद का हाइब्रिड सिस्टम बना रहे हैं। और जो उनकी महंगी गाड़ी आती है उनमें आपको टोयोटा का ही हाइब्रिड सिस्टम देखने को मिलेगा। अब ये जो हाइब्रिड सिस्टम होगा सबसे पहले हमें फ्रॉन्क्स में देखने को मिलेगा, जिसमें Z12E इंजन यूज किया जाएगा जो हमने मारुति स्विफ्ट में देखा था। उस इंजन के साथ ये अपने हाइब्रिड सिस्टम को जोड़ेंगे। अब देखते हैं कितना चलेगा नहीं चलेगा, मुझे लगता है चल ही जाएगा। आप नीचे कमेंट में बताओ कि क्या मारुति की हाइब्रिड कार के लिए आप एक्साइटेड हो नहीं हो। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।